सागर लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतदान के लिए 25 दिन से भी कम का समय शेष रह गया है। ऐसे में अब चुनावी हलचल बढ़ने वाली है। जल्द ही दिग्गजों की रैली, सभाएं, जनसंपर्क और प्रचार देखने को मिलेगा। फिलहाल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नामांकन फॉर्म जमा होना शुरू हो गया है। 19 अप्रैल आखिरी तारीख है प्रत्याशियों के नामांकन जमा करने के लिए। भाजपा और कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोर मैट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, पता है साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। 18 अप्रैल को जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लता वानखेड़े अपना नामांकन जमा करेंगी और उनके नामांकन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने के लिए आ रहे हैं, वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अगले दिन 19 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सागर पहुंचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के अन्य नेताओं के भी आयोजन होंगे। दरअसल सागर सहित बुंदेलखंड में प्रमुख रूप से भाजपा और कांग्रेस का ही वोट शेयर अधिक है। यहां की जनता इन्हीं दलों में अपना विश्वास रखती है। सागर लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को मतदान किया जाना है। सागर लोकसभा में साल 1996 से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस बार भाजपा को अपनी लगातार 8वीं जीत हासिल कर इतिहास रचना है, तो कांग्रेस के सामने इस गढ़ को भेदने की चुनौती है। देखना होगा यहां की जनता भाजपा पर अपना विश्वास जताती है या फिर बदलाव कर कांग्रेस को लाएगी। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोर मैट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।